बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन है 9 की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। इसमें हमें बच्चों बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों, 9 की पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, 3 की पावर 2 का मतलब भी क्या होता है? 9, और उसकी पावर एक्स एज इट इज़ है ब्रैकेट के ऊपर, और 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू इधर है। ठीक है, अब आपको पता है ए की पावर एम ब्रैकेट एन क्या हो जाता है? ए की पावर एम एन, यानी कि इन दोनों की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ऐसे इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब आपको पता है अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है? दोनों इक्वल हो जाती है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x बराबर x। क्या लिख सकता हूँ? 2x बराबर x। ठीक है, अब देखिए x मेरा राइट हैंड साइड पे है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, तो हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 0, यानी कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड से कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। और 2x में से x को माइनस करोगे तो कितना जाएगा बच्चे? x, और इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे जो x की वैल्यू थी वो क्या थी? 0। वैल्यू पुट करके देख लो, 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, दोनों की वैल्यू ही क्या होती है? 1 होती है, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस हमारी जीके की आती है, डेली 10 क्वेश्चंस की जीके की वीडियो आती है, शॉर्ट्स आते हैं, उन सभी को लाइक करो प्लीज़, शेयर करो, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।